और अब मैं उस शख्स को आवाज दे रहा हूं जो मेरे अजीज दूर किनारा मीरा लेकिन। और गुलजार साहब ने एक बहुत मजेदार बात बताई, जब लेकिन के कास्ट पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझसे दीदम, लता जी को दीदम कहते हैं गुलजार साहब, तो उन्हें दीदम ने कही। और एक फिल्म देवदास जो धर्मेंद्र जी, हेमा जी और शर्मिला जी को लेकर गुलजार साहब ने शुरू की थी, वो अधूरी रही, तो इस तरह से हेमा जी उनकी 4.5 फिल्मों की अभिनेत्री हैं, इसलिए वो बहुत मुफीद हैं कि वो यहाँ पे चीफ गेस्ट हों। मेरा बहुत सौभाग्य कि मुझे इस मंच पर आप सबके साथ साझा करने का मौका मिल रहा है। मुझे कोई गुमान नहीं है इतनी बड़ी डिग्निटरीज मेरे ज़िंदगी में दोबारा शायद ना मिले, वो गुलजार साहब की महत्ता है कि उनको सब लोग ऑनर करने के लिए आए हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। गुलजार साहब की एक पंक्ति पढ़ूंगा कि उन पर और भी आगे काम होता रहे। वो कहते हैं अभी ना पर्दा गिरे, कहते हैं कि सर बैठिए अभी बहुत कहना मुझे, कहते हैं कि आधे घंटे में ट्यून बन गई थी इस गाने की। क्या आपको यकीन हो सकता है कि 25 बरस से ऊपर हो गए जब उन्होंने गुलजार साहब की फिल्म माचिस के लिए ये गाना तैयार किया था कि जहां तेरे पैरों के कंवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे, छोड़ आए हम वो गलियां, हम जो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए अपने अपने छूटे, यूं हुआ रात एक ख्वाब ने जगा दिया, फिर यूं हुआ चांद की वो डली खुल गई, फिर यूं हुआ ख्वाब की वो लड़ी खुल गई, जलती रहीं बेनूरियां, चलते रहे अंधेरों के तले, फिर नहीं सो सके एक सदी के लिए हम दिल जले। विशाल भारद्वाज। नमस्कार, मैं गुलजार साहब की प्रेजेंस में बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता। और जो कि जाहिर सी बात है, जो कि मैंने कहा कि वो एक्चुअली वो एक बरगद का पेड़ हैं और हम सब उनकी शाखाएं हैं, हम पत्ते हैं, हम गुलजार साहब के बच्चे हैं। तो अपने बाप के सामने ज़्यादा आप बोल नहीं सकते, फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि जो मेरी बातें, ये यतेंद्र जी की जो किताब है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी सालों से यतेंद्र जी से बात हो रही है, और आज मैं उनकी किताब के जब सफ़े पलट रहा था तो मुझे उसमें ये गाना जो अभी पढ़ा इन्होंने कि और फिर यूं हुआ रात एक ख्वाब ने जगा दिया, वो गाना इतना रेयर गाना है और उस गाने को जिस तरीके से ज़िक्र किया है यतेंद्र जी ने, तो मुझे, और मैंने उसके सफ़े पलट के देखे तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं गुलजार साहब के बारे में कि मैं उनके साथ 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पर मुझे उसमें नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिल रही हैं कि अच्छा ये भी ऐसी बात है जो कि थी, जो कि मुझे मालूम नहीं थी। और जैसे एक रिडल है मेरे लिए कि मैं अब हर चीज़ में, ज़िंदगी में हर चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि अगर गुलजार साहब देखते तो कैसा देखते, या अगर वो सोचते तो उसके बारे में क्या सोचते। तो जैसे कि मैं अब उस उम्र में हूँ जिस उम्र में वो तब थे जब मैं उनसे पहली बार मिला था, मैं अब उस उम्र में हूँ जिस उम्र में वो तब थे जब उनसे पहली बार मिला था। मेरी आज वो एज है जब 90 में मैं गुलजार साहब से मिला था, वो तब भी उतने मैच्योर लगते थे, वो तब भी उतने समझदार लगते थे, और मैं आज भी, मुझे लगता है कि मैं तो इस उम्र में इतना बेवकूफ़ हूँ। तो हर चीज़ को उनके नज़रिए से देखना, और एक गुलजार साहब के पास एक एक आसमानी शक्ति है, ये आप लोगों को एक सीक्रेट नहीं पता है, एक चमत्कारी कुछ चीज़ है उनके पास। और उसके मैं दो एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जब मैं माचिस का म्यूज़िक कर रहा था तो मैं बहुत इन्वॉल्व था उसमें, स्क्रिप्ट लेवल से लेके और उसके एग्जीक्यूशन तक, और बाद में बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि और मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, मेरे पास मौका था, मेरे पास वो चांस था। तो उस दौरान गुलजार साहब ने एक बार एक बात कही कि तुम 5 साल बाद फिल्म डायरेक्टर हो गए, जो कि मुझे लगा कि मैं ना मेरा कोई शौक था डायरेक्शन में जाने का, ना मेरा कोई ऐसा मकसद था कि मैं डायरेक्टर बनूं, पर वो बात उन्होंने ऐसे एक प्रेडिक्शन की तरह बोली और
जो कि सच हो गई, एक्चुअली 5 साल बाद मैं फिल्म डायरेक्टर बन गया, और मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने वो कैसे उस चीज़ को महसूस किया था। मुझे बोस्की ने कई बार बताया है कि अगर उसकी सेट पे बारिश हो रही है तो वो गुलदार साहब को बोलते कि आप बारिश रुकवा सकते हैं क्या, तो गुलदार साहब बोलते कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद 10-15 मिनट और वेट कर लो तुम, और बारिश रुक जाती थी। तो ये गुलदार साहब हैं, और उनकी शायरी में तो खैर अभी शीन काफ़ ने साहब सामने इतना खूबसूरत बोला है कि मैं क्या कहूँ उसमें, पर एक वक्त हुआ करता था कि जो मुझे उनकी शायरी पूरी याद थी, पूरी किताब, एक बूंद चांद आपके यहाँ से प्रकाशित एक जी, तो एक बूंद चांद जब मैंने पहली बार ख़रीदी थी तो मुझे एक एक नज़्म, आप मुझे एक लफ्ज़ बोल दें और मैं पूरी नज़्म सुना देता था। और उनकी उनकी शायरी में वो जादू है, और एक कमाल का है कि जैसे निज़ाम साहब ने बोला कि आप अल्फाज से पहचान लेंगे कि गुलदार साहब का कौन सा गाना है, मैं कहता हूँ कि वो गाने का मूड से आप पहचान लेंगे, कोई भी कंपोज़र हो आप देखिए, वो चाहे मैं हूँ, चाहे एआर रहमान हो, चाहे शंकर एहसान लॉय हो, चाहे अनु मलिक हो, आप अजनबी उनका गाना उठाइए तो गुलदार साहब का मूड, गुलदार साहब के गाने का मूड लगेगा। आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, शंकर एहसान लगता है कि वो गुलदार साहब का गाना है। नाम अदा लिखना शांतनु मोहित्रा का, अनु मलिक का रोशनी से भरे 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 नैना तेरे, तो ये जो है ये सब गुलदार साहब का मूड उसके ऊपर इतना आता है, उनकी उनकी शायरी का, उनकी शख्सियत का, उनकी सब उनका, वो तो गाना एक्चुअली उनका हो जाता है। मैं जब बॉम्बे आया था तो मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं एक गाना गुलदार साहब के साथ कर लूं, और अल्लामियाना मेरी इतनी यू नो मेरे मुझे नवाजा कि मैं पता नहीं 500-700 गाने गुलदार साहब के साथ कर चुका हूं। मेरे पास भी अब हिसाब नहीं है इतने गाने, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना काम किया है 99% मेरे गाने गुलदार साहब के साथ हुए हैं। और मैंने मेरा मेरे फादर पोएट थे तो घर में शायरी का माहौल था, फिल्मी गानों के बारे में बात होती थी, तो ये चांद लागे तो ये राहुल आगे बैरी तो बात होती ही थी। जो मेरा रबता जो बना गुलदार साहब के साथ, उनके गानों के साथ, जिससे कि मेरा एक ख्वाब हुआ कि मैं जब बॉम्बे जाऊं तो मेरा एक गाना गुलदार साहब के साथ हो जाए, वो जब मैंने पहली बार उनके उनके जो एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि मुझे लगता है कि गुलदार साहब के बिना हिंदी फिल्म ये का म्यूज़िक ये होता ही नहीं जो हुआ है, जिस तरह की इमेजेस जो जो शायरी से जो कूड़ इमेजेस आई हैं, और इतनी जो कि कॉमन, जैसे दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं, इन सूनी अंधेरी आँखों में आंसू की जगह आता है धुआं, जीने की वजह तो कोई नहीं मरने का बहाना ढूंढता है। उसके अलावा एक जो बहुत ही खूबसूरत था कि लोगों के घर में रहता हूँ कब अपना कोई घर होगा, उसमें एक एक्सप्रेशन है अंतरे में जिसने मुझे उस वक्त हिला दिया था, और उस दिन मेरा ये अहद था अपने साथ कि मैं जाऊँगा और गुलदार साहब के साथ काम करूँगा, वो था इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, दूजे के घर यूं लगता है मोजे पहने रहता हूँ। इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, दूजे के घर यूं लगता है मोजे पहने रहता हूँ, नंगे पांव आंगन में कब बैठूंगा कब घर होगा, औरों के घर में रहता हूँ कब अपना कोई घर होगा। अब ये बात कहना कि ये एक तो ये इस एहसास को फील कर लेना कि मोज़े पहन के अपने आंगन में कैसा लगता है जब ज़मीन ठंडी नहीं लगती, ज़मीन आपके तलवे से छूती नहीं है, उस एहसास को इससे मिलाना कि मुझे दूसरों के घर में ऐसा लगता है। और एक बात उस आखिरी में जो जो हमेशा एक एक सबकॉन्शियस में चलती रहती है कि सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। यहाँ बूढ़े पहाड़ों पर का भी जिक्र ज़रूरी, जो बेमिसाल काम गुलजार साहब और विशाल जी के हैं, उनमें एक ये ऐसा एल्बम है जो बहुत ही नायाब बन। प्रणाम करूँगा और चला जाऊँगा, तो आई हैव नॉट कम प्रिपेयर टू से एनीथिंग। और अक्सर क्या होता है, जब लेखक जो होते हैं वो मौका तलाशते हैं, तो कोई अगर बहाना मिल जाता है तो जो भी चीफ गेस्ट होता है उसका जिक्र करके फिर अपनी बातें करने लगते। तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, जब गुलजार साहब हों तो और किसी की बात कभी संभव ही नहीं है। लेकिन मैं यतीन जी की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो दीपक गुलजार साहब हैं, लेकिन जलाया है थोड़ी देर के लिए सही, आप आए थे और आपने उस दीपक को जलाया है, इसके लिए आप याद। और मुझे मालूम है वो कितनी प्रेम से दीपक जलाते हैं, और बहुत जो भी वो लिखते हैं, ही इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर, क्लीन ऑब्जर्वर। आई हैव सीन हिम इन वेरियस मीटिंग, उसके बाद जो उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और मैंने पुस्तक अभी पूरी तरह पढ़ी नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक में भी वही रिफ्लेक्ट होगा जो कि अक्सर इनके क्लीन ऑब्जर्वेशंस होते हैं। गुलजार साहब से कौन प्रेरित नहीं होगा, मैं तो एक बार कहा भी था, शायद कहीं कोट भी हुआ था, कि कई बार मैं जब मुंबई से परेशान होता हूं तो मुंबई को माफ़ कर देता हूं इसलिए कि यहां गुलजार साहब रहते हैं, ये पहले भी मैंने कहा है, और ये सच बात है। देखिए, एक नदी है, उसमें एक व्यक्ति तैर रहा है, जूझते हैं लोग यहां पर, कोई शक, उस नदी में जो तैर रहा है उस व्यक्ति से अगर आप ये पूछें कि नदी का स्वभाव क्या, कहेगा नदी बड़ी आक्रामक है, वेरी एग्रेसिव, आई एम फाइटिंग, इज अ फाइट, यू आर ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, आप लहरों के विपरीत आप तैर रहे, तो आपको आक्रामक लगती है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है और उससे आप पूछते हैं कि नदी क्या है, नदी तो बड़ी शांत है, मैं तो ध्यान लगा रहा हूं, मैं तो बैठकर यहां पर ध्यान कर रहा हूं, ये नदी तो मैं साक्षी भाव से इसको देख रहा हूं, वही नदी है। गुलजार साहब की नदी में हमेशा एक शांत नदी हमें दिखाई देती है। मैंने कभी भी उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में, उनकी बातचीत में, उनकी शख्सियत में कड़वाहट नहीं देखी। इतने समय के बाद कौन से संघर्ष थे गुलजार साहब ने, ऐसा लगता है कि गुलजार साहब संघर्षों से गुजरे ही नहीं, उनको देख के ऐसा लगता, ये उनकी उनका स्वभाव है, ये उनकी पर्सनैलिटी है, कि जितनी बार आप उनसे मिलें आप पॉजिटिविटी से भर कर आते। और ये मैं बातें दिल से बोल रहा हूँ, कोई सोच नहीं रहा हूँ, जो मुझे गुलजार साहब से मिला है वही आप तक पहुँचाने की कोशिश। गुलजार साहब से जितनी भी थोड़ी देर के लिए मैं मिलूं, चाहे वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक बरगद के पेड़ के नीचे उनको अपनी नई रचनाएं सुनाऊं, जब बच्चों के साथ कोई सेशन हम ले रहे हों, बातचीत करूं, आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड हिम लाइक यू नो यू आर फिल्ड विद द पॉजिटिव एनर्जी फॉर लाइफ, कि जिंदगी इतनी खराब नहीं है, लोग इतने बुरे नहीं हैं, धूप इतनी कड़ी नहीं है, कहीं पर छाया है, कहीं पर इंसानियत है, कहीं पर खूबसूरती है, कहीं पर वो गुड़ की डली है जो मुंह में घुलती है, और वो गुड़ की डली गुलजार साहब अक्सर जाते समय आपके हाथ में रख देते हैं, आपकी हथेली में, और आप उसको। गुलजार साहब, अगर जिन्होंने पतंग उड़ाई है, मैं गुलजार साहब को देखकर ये उस वक्त भी ये सोच रहा था, और विशाल जी बैठे हैं, विशाल जी खुद इतना अच्छा लिखते हैं और गुलजार साहब से प्रेरित होकर लिखते हैं, और बार बार कहते हैं कि मैं गुलजार साहब से प्रेरित हूं, मैं भी एक बार बार कहता हूं कि गुलजार साहब से कौन प्रेरित नहीं हो। मैं कह रहा था कि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो कुछ पतंगें इधर उधर लड़ती लड़ाती हैं, लेकिन हमेशा आसमान में नजर जाती एक पतंग होती है जो ऐसा लगता है हमेशा से वहीं थी, ठहरी हुई सी बीच में आती है, और हम रामपुर में रहते थे, उसे कनकौआ कहते थे, बड़ी पतंग, वो देखो पर वहाँ जाना है उस पतंग को लेके, वो एक ठहरे हुए व्यक्तित्व की पहचान है, वो पतंग गुलजार साहब, वो पतंग जो मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि आसमान का हिस्सा है,
ऐसा लगता है कि वहां हमेशा थी और हमेशा रहेगी। कल्पना करना मुश्किल है कि हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें और गुलजार साहब उसके पर्याय ही है। ऐसा लगता है कि ही वॉज देयर एंड ही हैज टू बी देयर। यहाँ के होने की शर्त है कि गुलजार साहब वहां हों और गुलजार साहब आपको रहना ही होगा किसी ना किसी तरह से हमारे बीच, व्यक्तित्व के रूप में, शरीर और भावनाओं के रूप में और कृतित्व के रूप में, आपकी कृतियों के रूप में। और मुझे लगता नहीं उसकी अनुगूंज कभी समाप्त हो सकती। मुझसे कहा था कि एक कोई रचना मैं एक दो पढ़ दूं, तो गुलजार साहब आपसे ही प्रेरित यही जो कह रहे थे, खुल के मुस्कुरा ले देता हूं, आपको उनकी आप भी दिखाई देगी। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। बूंदों को धरती पर साज़े बजाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छू ले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छू ले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। एक और रचना जो मैं जिससे समाप्त करूंगा अपनी बात, कि गुलजार साहब हैं यहां पर, जब भी मैं करता हूं इस बात का गुलजार साहब का, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की छलक रोश फर्श पे बिखरे मुमकिन। पर्वत के माथे से उतरे एक पगडंडी बने विशाल नदी सागर से मिलने जाए मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर हंसता जाए मुमकिन। ख्वाबों को आंसू नहलाना और फिर धुले धुले ख्वाबों को देखना, फिर से देखते जाना मुमकिन है। एक मासूम सा कागज, एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की, एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है। जंगल से एक हवा का चलना, आबादी से गुजर गुजर कर मन की खिड़की पर आ जाना, ताजा सी उम्मीद जगाना मुमकिन है। रस्सी बांधें और सब खींचें, आसमान को जमीन पे लाना मुमकिन है। हाथ बढ़ाना बादल छूना, हाथ बढ़ाना बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होंठ भिगाना मुमकिन है। एक सच्चे से सुर की उंगली थाम के बढ़ना और नवेली सरगम गाना मुमकिन है। सब कुछ गुलजार साहब करते रहे, बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना। बीचों बीच सुभाष जी, बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, रूह तलक फिर सुलगते जाना मुमकिन है। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रख राह सजाना मुमकिन। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना राह सजाना मुमकिन है। हम लोग भूल जाते हैं जब खुशी के क्षण होते हैं कि कहीं दुख भी है। घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन, घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है। खिली खिली सी धूप की रुत में
सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है। हेमा जी, चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन। एक दीपक का तूफानों से आओ खेलें कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है। प्यास हजारों पर एक विश मुमकिन है। गुलजार, थैंक यू वेरी मच आदरणीय हेमा जी, गुलजार साहब और एक बार शुभकामनाएं देता हूं यतीन जी को और निजाम साहब आपको भी, विशाल जी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऑनेस्टली लिखी हुई किताब होगी, मुझे मालूम है कि ईमानदार आदमी है और इसी ईमानदारी से आपके दिल तक पहुंचे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप जो कह रहे थे डायरेक्टर्स मीडियम में, गुलजार साहब ने ये साबित किया है कि फिल्म हर उस शख्स का मीडियम है जो ईमानदारी से अपनी बात कहना चाहता है।
अतिथियों से निवेदन है कि वे कृपया अपना स्थान लें। गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखीं, इस किताब से अब पर्दा उठ चुका है। अब ये किताब हमारी और आपकी है, लेकिन अभी तक मुझे तालियों की आवाज सुनाई नहीं दी, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, सन 1975 शायर, डायरेक्टर, पोएट, लिरिसिस्ट गुलजार साहब। चीन कैफ निजाम जी, विशाल भरद्वाज, प्रसन्न जोशी जी, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी, अरुण महेश्वरी जी, मालिनी अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित सुभाष घई जी, मनोज जी और आप सब भाइयों बहनों, सबका मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ पर इतने सारे कवि साहित्यकार बैठे हैं, वहाँ पर मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है यतेंद्र जी ने, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने नहीं सोचा कि आप सबके बीच में मैं फिट होऊंगी कि नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट आई एम हियर विथ यू। आज की शाम एक ऐसी शाम, ऐसी एक शख्सियत के नाम है जिसने हिंदी फिल्म जगत के एक युग को अपनी कलम से पहचान दी। उनके बारे में जितना कहना जो भी लिखना बहुत कम है। अपनी कलम के माध्यम से संगीत जगत को एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीतों से महकाने वाले वो शख्सियत है गुलजार साहब। गुलजार साहब के नाम पे ये किताब आज रिलीज हो रहा है, हजारों राहें, और जिसे लिखा है यतीन्द्र मिश्रा जी ने, जो खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, और इस किताब को इतना खूबसूरत ढंग से लिखा है जिसमें गुलजार साहब के पूरे यंग एज से लेकर पूरी यात्रा, उनकी लाइफ जर्नी ही हैज रिटन इन दिस बुक, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा बायोग्राफी पहली बार गुलजार साहब के ऊपर बनी है और उनके बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा इस बुक के थ्रू। ये सिर्फ एक कवि नहीं, जस्ट नॉट ए पोएट, बट वो थोड़े दिन में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम किया कहें बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में, बाद में खुद एक डायरेक्टर बने। उनकी जर्नी ऐसी है, मैं बताऊंगी कि उनको एक पहली मुलाकात मेरी कभी हुई थी, अंदाज फिल्म की शूटिंग गुलमार्ग में हो रही थी, वहीं पे मैं पहली बार इनको मिली। वैसे वही यंग गुलजार जी, एंड ही विल बी हैविंग ए कैमरा इन हिज हैंड, एंड गुलमार्ग में जो शूटिंग हो रही थी keep clicking pictures, my brother was also there with me, Jagan, remember him? And it was then he was just a writer in that film, and then baad mein pata chala he is working as an assistant director, and then he is writing dialogues, then lyricist, and baad mein pata chala he has become a director also. To un dino mein main shooting kar rahi thi kai filmon mein, to you know what kind of film I was doing, very interesting, very successful, very lot of fight sequences, action oriented films main kar rahi. To un dino mein maine dekha ki Jitu ji ke sath bhi mera shooting ho rahi thi kai filmon ki,
तो वो एकदम एक फोटोग्राफ देखा कि वो एकदम गुलजार जी जैसे लग रहे थे. ऐसे ये क्या देन इट वॉज परिचय उस फिल्म की. देन मेरे साथ जब शूटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा आई सेड इट वेरी नाइस वेरी. देन ही टोल्ड मी दैट टाइम कि आई एम गोइंग टू मेक ए फिल्म खुशबू तो आई वॉन्ट यू टू वर्क इन दैट. आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे मुझे ज़रा हटके फिल्म करने का बड़ा मन था उस वक्त. और गुलजार जी के साथ पहली बार मतलब ऐसे डायरेक्टर तो इट वॉज द खुशबू वॉज द वेरी फर्स्ट फिल्म. एंड बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है हाउ बिकॉज दोज डेज वी हैव टू डू लॉट ऑफ हेयर स्टाइल यू नो लाइक ऑल दोज हैवी विग्स एंड ऑल वी वेयर एंड देन दैट इज हाउ दैट लुक वॉज. और यहाँ पे आए तो पहले तो नो यू हैव टू रिमूव नथिंग यू बी नेचुरल एज यू आर नो विग नथिंग सो यू आर माई ओन हेयर बिकॉज दैट कैरेक्टर डिमांडेड लाइक दैट. सो वॉट इज द कैरेक्टर्स नेम कुसुम का रोल दैट कुसुम इज लाइक दैट. देन मेकअप रूम में जाके देखा तो मेरा साड़ी क्या होगा तो ऐसे सच अ सिंपल साड़ी यू नो इट्स नॉट अ मैचिंग ब्लाउज जस्ट लाइक दैट. आई सेड आई वॉज वेरी हैप्पी टू वेयर दैट बट माई मदर वॉज सेइंग थोड़ा ग्लैमरस होना चाहिए ना बिकॉज देन ही सेड नो नथिंग डूइंग लाइक दैट यू हैव टू बी लाइक दैट. देन हेयर स्टाइल ऑल्सो माई हेयर ड्रेसर जो भी बनाएगी बाल देन ही विल से नो रिमूव ऑल दिस नो नो बैक कॉमिंग नथिंग जस्ट बी एज सिंपल एज पॉसिबल. तो मेकअप भी बहुत कम तो इट वॉज लिटल डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट बट बड़ा मजा आया. स्टार्टेड इंजॉइंग दैट एंड देन आई हैड अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग वेरी फास्ट फटाफट बोलती थी डायलॉग. तो ये कहाँ जाना है ही यूज्ड टू आस्क मी कहीं जल्दी जाना है क्या. आई से हाँ मुझे दूसरा शूटिंग में जाना. तो ही विल से वो शूटिंग बाद में जाएंगे पहले यू स्पीक द लाइन लिटिल स्लो और भी स्लो. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यू नो ब्रिंग माई स्पीड लिटिल स्लो लाइक ए गाड़ी ड्राइव करते हैं फास्ट तो स्लो करेंगे. देन आई लर्न दैट देन दैट वॉज सो वंडरफुल एंड आई सॉ ऑन द स्क्रीन इट वॉज रियली ब्यूटिफुल. इट सो दैट इज हाउ आई अडॉप्टेड द स्टाइल. यस एंड देन अनदर वन आई एज अ डांसर आई यूज टू मेक माई आईज लॉट ऑफ एक्सप्रेशन स्पेशली विथ माई आईब्रोज. कुछ भी बोला था माई आईब्रोज विल फर्स्ट कम आउट. तो ही सेड नो आईब्रो को रीटेक. आई सेड डायलॉग तो स्लो बोला था सब कुछ ठीक था भाई अगेन रीटेक. देन ही से आपका आईब्रो इज डांसिंग फ्लैट डोंट नो आईब्रो शुड नॉट मूव. देन आई यूज्ड टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड स्पीक यू नो एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग वी हैड दो नैनों में आंसू भरे ना ऑल दोज लवली लवली सॉन्ग्स. एंड देन घर जाएगी थर जाएगी वो उसका एक शूटिंग हुआ था. तो नॉर्मली वी ऑलवेज हैव अ डांस डायरेक्टर फॉर एनी सॉन्ग वेदर इट्स अ सॉन्ग और अ डांस सीक्वेंस एक होता है हमेशा डायरेक्टर के पीछे 1 2 3 बोलते रहेंगे. ही सेड नोबडी इज हियर वी हैड द शूटिंग इन गोवा और आउटडोर में शूटिंग कर रहे हैं. एंड देन ही सेड नो नो असिस्टेंट डायरेक्टर कोई भी नहीं है आप अपने आप करो जो भी मूवमेंट करना है. तो ही आई बिकेम द कोरियोग्राफर माई सेल्फ. सो ही यूज टू डायरेक्ट ही यूज टेल मी ऐसे करना है. तो इट वॉज वेरी एन्जॉयबल टू डू सच थिंग यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम विथ हिम. उसके बाद ऑफकोर्स आई डिड द फिल्म किनारा. दैट वॉज अनदर एक्सपीरियंस. आई प्लेड अ डांसर एंड हु इज ब्लाइंड. तो ब्लाइंड होने के लिए दैट एक्सप्रेशन आएगा करके आई थिंक ही वॉज वेरी कीन दैट आई शुड वेयर अ लेंस. देन आई ट्राइड माई बेस्ट 2 3 डॉक्टर्स के पास जाके लेंस वेंस किया लेकिन आई कुड नॉट इवन ओपन माई आईज आफ्टर वेयरिंग द लेंस. आई सेड आई कांट डू इट आई विदाउट दैट आई विल गिव द प्रॉपर एक्सप्रेशन. सो फाइनली ही एग्रीड. सो आई थिंक इट केम आउट वेल इज़न्ट इट. दैट इज वन. एंड देन द फिल्म मीरा यू नो व्हाट अ ब्यूटिफुल फिल्म वी डिड मीरा. एंड ऑफकोर्स किनारा में ऐसा अच्छे अच्छे गाने थे जो आज भी इतना पॉपुलर है. नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा. आई थिंक लता जी इज़ वेरी फेवरेट. एंड ऑल्सो ऑफकोर्स ऑल ऑफ अस वी ऑल लव दैट सॉन्ग. तुलजा जी का कौन सा गाना अच्छा नहीं. सारे आंधी एनी फिल्म यू टेक सो ब्यूटिफुल मेड. एंड फाइनली वी डिड द फिल्म मीरा.
हीरा का भी एक अजीब सा एक एक्सपीरियंस था हमारा. वी बोथ वेयर वांटिंग टू डू दैट फिल्म. दैट प्रोड्यूसर इन बिटवीन बिकेम लिटिल नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही हैड. तो ऐसा लग रहा था कि पिक्चर कहीं बंद ना हो जाए. एंड इतना बड़ा डायरेक्टर आई मीन म्यूजिक डायरेक्टर रविशंकर जी ने बड़ा बड़े कलाकारों के बारे में लिखा है आपने. सोनाल मान सिंह, गिरिजा जी जैसे क्लासिकल सिंगर, लता जी के बारे में बड़े मुस्ताम ऐसे बिस्मिल्ला खान इन सब के बारे में लिखना तो इज नॉट इजी. एंड टू राइट अबाउट गुलजार साहब इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इतने बड़े एक व्यक्ति के बारे में कौन लिख सकता है. उतना ही इक्वल लेवल का होना चाहिए जो यतीन्द्र जी इज ऑलमोस्ट देयर. आई विल से दैट ही हैज रिटन दिस बुक इज सो इंटरेस्टिंग टू जस्ट रीड. सो आई केप सेइंग इन दैट बुक मेरा बारे में क्या लिखा है. इट वॉज वेरी नाइस. सो थैंकफुल टू यू फॉर राइटिंग समथिंग नाइस फॉर मी ऑल्सो. एंड देन मीरा के फिल्म का भी एक अलग एक एक्सपीरियंस बिकॉज इसमें तो थोड़ा बहुत आई मेकअप तो करने दिया था किनारा और खुशबू में, लेकिन मीरा में वो भी नहीं. नो आई मेकअप. आई हैव टू बी जस्ट प्लेन लाइक दैट यू नो. सो आई डिड दैट बट द रिजल्ट यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल एंड मेड दैट फिल्म. सो आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम. सौभाग्य है कि ऐसे बड़े अच्छे अच्छे फिल्मों में काम करने का मिला गुलजार जी के डायरेक्ट. इनका देश में कितने भी आजकल जो पीढ़ी के कितने भी सो मेनी पीपल आर सो फाउंड ऑफ हिम. ये इतना लोकप्रिय हैं ये गुलजार जी, चाहे बच्चे हो या 5 साल का बच्चा हो या 25 ईयर्स यूथ हो या 60 साल के बुजुर्ग हो. तो अलग अलग किस्म के गाने इतने अच्छे लिखे हैं गुलजार जी ने. लाइक बच्चे वाला इज लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा. तो वो मुझे मालूम है वो गाना मैं ऐशा आहना के साथ भी गाती थी और आज मेरा ग्रैंड डॉटर के साथ भी वो गाना गाते हैं. इट इज़ सो पॉपुलर. दैट सॉन्ग इज सो इंटरेस्टिंग यू नो. एंड ऑल माई मेड्स ऑल्सो विल स्टार्ट सिंगिंग एंड एवरीबडी द होल हाउस इज़ वेरी फुल ऑफ वाइब्रेशन ऑफ चिल्ड्रन देयर. देन कजरारे तो ऑल द यूथ आई थिंक वी ऑल लव्ड इट. इतना अच्छे अच्छे गाने गुलजार जी ने लिखे हैं. और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, एक नूपुर एक टीवी सीरियल बनी थी जिसमें आई डिड द रोल ऑफ डांसर एंड आई वॉज वेरी कीन दैट ही शुड डायरेक्ट इट. बट इन्होंने बोला कि मैं डायरेक्शन है यू हैव टू डायरेक्ट इट. आई सेड दैट इज़ हाउ आई बिकेम अ डायरेक्टर सडनली from nowhere you know, because I was so much keen to do that a film on dance about a dancer. A serial 13 episode ka bana tha, bahut sundar bana. Lekin inhone inspire kiya ki you are a dancer yourself, so you know what you have to do. Because some other director I brought, then it was not working well, then he said you direct it yourself. So that was the inspiration he gave and I became. So he has been a wonderful director and also a very good friend of mine. I will say time to time samay ke sath bahut sare baatein hum beech beech mein karte hain kitne bhi busy ho. So at one point after I settled down I continuously worked in films, but mera film sab thoda sa kam ho gaya tha. So as an artist you feel little funny you know ki are itna picture mein shooting kar rahi thi, itna film aati thi, abhi it is little slow down, what is going to happen now. So I just discussed with him. He said you are in this horizon, you see the another horizon there, so you will be getting it now, you will be going there soon. So that is a kind of an inspiration for me. So you know that is what happened. So how I transformed myself from an actress that continued, but as a dancer I continued. So many other things kept on coming in my life. So it is a great inspiration he has given to me. So he is an inspiration to the whole country, I will say, as a poet, as a writer. He has contributed so much to the whole industry, our film industry, and generally also.
सो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू विद अस. मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे और बहुत लंबी आयु हो और हमेशा हमारे साथ में बीच में रहें आप. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया हिमा जी. मुझे लग रहा था कि आप जब अपनी बात ख़त्म करेंगी तो मैं मीरा के बारे में पूछूंगा, देवदास के बारे में पूछूंगा. शुक्र है कि आपने खुद ही सब कुछ बता दिया और बहुत सारी चीज़ें बताई. कुछ यतीन्द्र जी का एक अनुरोध था, उसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं. पर अभी एक अनुरोध है कि प्लीज़ ये लाइट्स थोड़ी सी धीमी कर दीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ी सी मेरे साथ नाजायज हरकत की गई है. आज तो एक मौका मिला था कि सिर्फ सुनो, आज तो बोलना नहीं था, कहना मुझे और कहिए भी नहीं. आप लोग इजाज़त, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि मेरी बारी नहीं आज बोलने की, मेरी आज सुनने की बारी है. इतनी तारीफ सुनने के बाद मैं ऐसे ही खामखा बोलता हूँ. और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं और लुबनम है और सत्या बैठी हैं, सत्या सरन जो इसी किताब का अंग्रेजी तर्जुमा कर रही हैं, और मैं शोहरत पा रहा हूँ. मैं और अंग्रेजी में आएगी तो और ज़्यादा शोहरत होगी. और लेकिन ये सही है कि कोई शख्स अकेले किसी ऐसे मुकाम पे नहीं पहुँचता अगर वो कहे कि मैं बनाऊँ, मैंने खुद किया या मैं करके आऊँ. ये देखिए ना, ये लोग हैं सारे फनकार हैं, क्रिएटिव पीपल. अगर मैं इन्हें इंस्पायर करता हूँ तो इट कांट बी वन वे. द इंस्पिरेशन कम्स टू मी ऑल्सो फ्रॉम ऑल अदर्स. जो मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है. एंड इट रिस्पॉन्सेज एंड रिस्पॉन्सेज बैक टू मी. और बहुत से, आई एम नॉट द मोस्ट लर्नेड, देर आर मैनी लर्नेड मोर देन मी. तो मैं उनसे भी इंस्पिरेशन लेता हूँ. और ये थोड़ी सी मेरी चालाकी है या महारत है मेरी कि मैं उसे अपना बना लेता हूँ और कह देता हूँ और तालियाँ ले लेता हूँ, वो मुझे मिल जाती हैं. अब यतेंद्र जो उनके साथ अगर मैं 14 साल तक चलता रहूँ तो वो बेवजह नहीं हो सकता कि मैं 14 साल चलूँ. There is some part of this man's creativity के जो मुझे ये साथ लेके चलते रहे और मैं इनके साथ साथ चलता रहा, क्योंकि मुझे कोई बात इनकी इंस्पायर कर रही थी, उनके अंदाज इंस्पायर करता था. जब ये, मैं बहुत थोड़ा सा बात मैं ये ख़त्म कर दूंगा कि जैसे कबीर की इमेजेस लेकर जब ये कविता कहते हैं, और पूरी किताब है कि कबीर की इमेजेस पर लिखी हुई सारी कविताएं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत किताब है जो उन्होंने लिखी है. और फिर मेरी एक किताब का मजमू इन्होंने बनाया जिसमें इंटरप्रिटेशन इन्होंने पोइम्स की थी, यार जुलाहे के नाम से वो किताब इन्होंने पहले. तो देर वर रीजन्स फॉर मी टू ट्रेवल अलॉन्ग विद हिम कि मैं उनके साथ साथ क्यों चल रहा हूँ. ऐसे बेवजह नहीं होता कि मैं या मेरी तारीफ हो रही या मेरी शोहरत कर रही, आपको पता नहीं चला. और आपको पता है शायद चलेगा भी नहीं कि अगर मैं बताऊँ नहीं कि साहब ये तो मेरी चोरी है, मैंने अपने आप उनसे सीख लिया, उन्होंने सिखाया भी नहीं. मतलब आदमी जो सीखता है एक्सपोजर से सीख लेता है दूसरे लोगों से. अगर मैंने हेमा जी से इनके साथ काम करते हुए, देयर इज अ रॉयल रीगल पर्सनैलिटी दैट आई कुड फील. मीरा का चुनाव ऐसे ही बेवजह तो नहीं हो सकता ना. एक देर इज अ रीगैलिटी इन हर पर्सनैलिटी, देर इज अ रॉयल प्रेजेंस इन हर प्रेजेंस. एंड मैं वो जो अभी बात करते करते भूल गई, मैंने कहा मैं पूरा कर देता हूँ. उन्होंने बात कह रही थी कि वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था, हमारे प्रोड्यूसर को थोड़ा सी तकलीफ हो गई थी, तो कहने लगी मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती थी उस बारे में. तो मैं उस वक्त इनके पास गया था, आई सेड फॉरगेट अबाउट मनी, ये
फिल्म को रुकने मत देना, इसको कंप्लीट कर लो. एंड शी डिड दैट विदाउट मनी, क्योंकि मैंने इनसे एक बात कही थी, मैं कहा ये याद रखना तुम्हारी बाकी सारी फिल्में वो तो गुजर जाएंगे वक्त के साथ, ये तुम्हारे बाल बच्चे खुश होंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे, मम्मी यू वर दिस. तो ये एंड शी डिड दैट एंड दैट्स व्हाट and then said, no money, you are right, let's complete this film. And we all for our because we knew he is in a problem. He was a very very good man, hamare jo producer the bahut acche insaan the, but then these kinds of difficulties ye aa jati hain filmon mein, is tarah se ho jati hain. Aur andaaz, the first film that I'll tell you what is that inspires you, how do you learn. अब आपको मैं बताऊं मैंने इनसे क्या सीखा है. अंदाज पहली फिल्म थी इनके साथ और इन्होंने मुझसे कहा था मैं फिल्में करूं चलेंगी, चलना चाहिए, चलेंगी नहीं. इनकी मम्मी इनके साथ आती थी, इनकी एक आंटी आती थी ऐसे कैप पहनती थी, मैं उन्हें कैप्टन साहब कहता था, कैप्टन साहब से इनके साथ. तो मैंने इनसे कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप बंद करो ना यार ये बत्ती क्यों जला रखी है. तो वो इन्होंने कहा था मैं चाहे फिल्म चले नहीं चले, वेर एवर आई रीच मैं डांस नहीं छोड़ूंगी कभी, आई विल कीप डांसिंग टिल द एंड ऑफ माय लाइफ. डू यू नो आज तक ये उसी तरह से डांसर हैं, उसी तरह डांस करती हैं. एंड Hardly a month back, she performed in Mathura, and she was dancing. And Modi saab baithe rahe, pura inki puri performance dekhi unhone. Just a few weeks or a month back, maximum. Wo dance unhone hi choda. And that kind of a devotion, that kind of a dedication, that is what you learn even from your juniors. Not necessarily from your seniors. तो आप ये सीखते हैं. तो मैं बाज मैं भी नहीं आया, मैं भी फिल्में लिखता रहा, मैं भी फिल्में बंद कर दी, गाने लिखता रहा. और वन मैन जिसकी वजह से आई थिंक पंचम के साथ मेरा बड़ा लंबा एक सफ़र रहा. एंड आई माइट हैव शायद डिजॉल्व हो जाता, फेड आउट हो जाता, अ यंग पोएट म्यूजिशियन सिंगर कंपोजर हेल्ड माई हैंड and he carried me along, that is Vishal. Vishal ki wajah se he has kept me young in my writing. Uski wajah se main jawan hu apne ghanon mein, abhi tak bhi us tarah ki harkatein karta hu jo is umar mein shayad badi embarrassing lage agar main wo gaane pad bhi dun, hai na, beedi jalay le aise to nahi ho jata. To unke sath kiya, scene ka nizam hai unse, urdu zuban ka wo lafz ki bar bar baat kar rahe the, वो बार बार लफ्ज़, और मैं लफ्ज़ों के इस्तेमाल का जिस तरह से मैं करता हूँ या जिस तरह से मुझसे हो जाता है, जो ग्रामेटिकली ही इज़ अ ग्रेट ग्रामेटेरियन, ही हैज़ रिटन बुक्स, उन्होंने अल्फाज के नाम से किताब लिखी है, और मतलब उर्दू ग्रामर पर जिस तरह से और शायरी एनालाइज करते हुए जिस तरह, और उनसे वो उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ सुना है. और कई दफ़ा मैं, क्योंकि मैं गलत जबान भी इस्तेमाल करता हूँ उसमें, गलत इन द सेंस कि ग्रामेटिकली रहा हूँ. तो वो जैसे इजाज़त की वो बता रहे थे गाना मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, आई रिमेंबर कि बहुत से गाने, बहुत से अल्फाज जिन पर एतराज़ किया गया, क्या महकती खुश, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू. अब वो बड़ा एतराज़ हुआ था साहब कुछ मास्टर से, एक तो खुशबू है ऊपर आपसे हाथ से भी छूते हुए और महकती खुशबू. तो इनके साथ बात हुई तो कहने लगे ये अल्फाज के बीच में से जो आप ग्रामर निकालते हैं ना, कि महकती को वर्ब बना लिया और खुशबू को नाउन बना दिया, तो हो गया, हो खुशबू महक सकती है, एक नाउन है एक वर्ब है. और वो तो कहने ये अल्फाज के बीच के जो वक्फे आप निकाल लेते हैं, ये एक इंडिविजुअलिटी बन गई, ये एक तरीका आपने नया निकाल दिया अल्फाज को यूज़ करने का. बट देन दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस करते करते ही तो you grow up and you start learning. And I'm
बड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो सीखने को तैयार हूँ। वो जीत सीखते ही रहना चाहिए ना। और अच्छा, अगर बड़ा हो गया तो फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। मैं और ये किताब जिसके लिए 14 साल तक मैंने तो मेहनत की उनके साथ, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन आई एडमायर हिज पेशेंस कि ये मुझे बर्दाश्त करते रहे। इतना अरसा बर्दाश्त किया इन्होंने। मैं अब राजा साहब, बड़े राजा साहब, भाई साहब मैं बुलाता हूँ उन्हें, इनके पिताजी, और उनका जाता है बिकम अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली। उन घर में माँ को बिटिया है, बहन है उनकी, उनके साथ हूँ। लेकिन फाइनली कम टू थिंक इट, आज की शाम कम से कम मैं कह सकता हूँ कि वो एक शेर याद आता है, जगजीत गाया करते थे, मैं ख्याल हूँ किसी और का जी, और वो शेर मैं गलत पढ़ जाता हूँ अक्सर, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे छापता कोई और है। तो वो शेर गलत पढ़ने में भी मज़ा आ जाता है, तो वो करता आया हूँ। एंड देन ये कि साहब का आज का कॉरोनेशन, ताजपोशी हो गई मेरी किताब की, और ताजपोशी राजा साहब के होते हुए हुई, वो बड़ी अच्छी बात है, इट्स अ कॉरोनेशन। और ताज पहनाने के लिए अब एक हेमा जी आ गई, तो वो ताज में जो कोहिनूर की जगह होती है वो पूरी हो गई उनके आने से, तो वो भी चलते आए थे। विशाल को खास तौर पे विशाल आ रहे थे, रेखा को बुला लिया मैंने, दोस्त हैं सारे, सलीम साहब हैं, लुबनम हैं, सत्या भी हैं मेरे साथ जो जिन्होंने मुझे, बिंदल साहब हैं, इनको बुला लिया, और दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ थिएटर मैंने बहुत शेयर किया है कि भाई कुछ गवाह मैं भी ले चलूं, क्योंकि मेरी गवाही भी तो कोई देगा, और वरना ये तो कहीं सारे के सारे ये तेंदुर की तरफ हो गए तो कान ही पकड़ेंगे, एक इधर से खींचेगा एक उधर से खींचेगा, तो मुझे गवाहों को साथ ले लिया। और तब भी बस वो शेर याद आता है फिर एक, और मैं हमेशा गलत पड़ जाता हूँ, वो बात और है कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, मैं कुछ ऐसा खौफ लेके आया था, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा, गालिब ने तो कह दिया ना हुआ, मुझे लगता है कि हुआ और होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। अब शुक्रिया कहने की घड़ी आई, और इस शुक्रिया अदिति माहेश्वरी को बुला रहा हूं, वाणी प्रकाशन की बागडोर संभालने वाली युवा पीढ़ी की अदिति, फ्रेंच सरकार के नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित हैं, और ये सम्मान जो है ये कुछ इसरो के साइंटिस्ट, उसके सिवा अमिताभ बच्चन, शाह आप सभी से निवेदन है कि प्लीज अपनी जगह पर बैठे रहें, कार्यक्रम का एक औपचारिक अंत अभी बाकी। बुक्स
साइनिंग भी इसके बाद होगा। आप में से जिन लोगों ने ये किताब ली है, गुलजार साहब बुक साइन करेंगे और कुछ किताबें साइन की जा सकेंगी। वो कर दिया है उसमें एमबीएस में डाले तो बोल नहीं रहे ना कोई। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करने का ऐलान करते हैं। आप सभी यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी नहीं तो वो निकल जाए। बुला रहे हैं सर। अच्छा एक सेकेंड, अनुषा जी, अनुषा जी क्यू मैनेजर। सलीम आरिफ साहब, सलीम आरिफ साहब जहाँ कहीं भी हो प्लीज मंच पर आइए। लुबना जी, अच्छा आप लुबना जी और सलीम साहब आइए। आप सभी से ये निवेदन है कि बुक साइन के लिए प्लीज लेफ्ट साइड से, स्टेज के लेफ्ट साइड से आइएगा और राइट साइड से स्टेज से निकलिएगा। कोई सेल्फी लेने की कोशिश मत कीजिएगा, एक डिसिप्लिन रखिए। कुछ किताबें हम साइन कर पाएंगे। स्टेज के लेफ्ट साइड से आइएगा और राइट साइड से जाएगा। प्लीज स्टेज के लेफ्ट साइड से आइए और राइट साइड से जाइए और क्यू का अनुशासन रखिएगा प्लीज। वो है